तो गए बेटू, मेरा बेटा अब उठा है। पापा तो 5 बजे को चले गए थे, 5:30 बजे चले जाते पापा। आप इन्हें लेट होती हो, 9 बजने वाले हैं। 9 इन्हें लेट क्यों होते हो? मम्मा को फिर आपको देख के आलस आ गया। मम्मी ने सारा काम करा, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ करवा करू के, उसके बाद भी मम्मा आपके चार 2 मिनट लेट गई। फिर दूधू आला आ गया, फिर दूधू लेके आए, उसके बाद फिर लेट गई, फिर आप फिर तब उठे आप। गुजू 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 मेरे गुल्लू 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 मस्त हो गया है बच्चा, मस्त हो गया। पोती को लेता हूँ छुपो छुपो, पोती को लेता हूँ छुपो छुपो। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी लगभग ऐसे बज रहे होंगे 8:30-9 के आसपास, और सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा हो चुका है, बर्तन हो चुके हैं। वो मैंने जो हमारे घर में लगाने के लिए लाते हैं दीदी, तो वही यहाँ पकड़ने के लिए आती हैं। तो थोड़ा सा वो भी नहीं क्या, एक कनेक्शन सा भी है उनसे पुराना, तो फिर एक आराम से कर लेती हैं। तो वो झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ उन्होंने कर लिया। उसके अलावा खाना भी नहीं बनाना है, तो मैंने दाल रख दी है। आकाश को अरहर की दाल बहुत पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए अरहर की दाल बना लूँगी। आज वो दोपहर तक आ जाएगा, आज उसकी शाम की क्लासेस नहीं है, तो वो आज दोपहर तक आ जाएगा। जिस दिन वरना शाम क्लास होती है उस दिन वो थोड़ा सा लेट आता है। तो आज तो खैर वो कार से गया है, तो कह रहा था यार बहुत जल्दी पहुँच गया मैं यहाँ से, 1 घंटे में आराम से पहुँच गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो अभी तो फिलहाल वो पहुँच गया, ऐसी की अभी एक आध दिन थोड़ा सा अजीब लगेगा उसे, यहाँ से ट्रैवल करना अजीब से लगेगा, लेकिन थोड़ा सा ये कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं। थोड़ी सी अब मैं भी शुरू करूँगी, अभी मेरी वीडियो कॉल थोड़ा सा चल रहा है, नेट मैं लगवाऊँगी, अभी वाईफाई नहीं लगा है, वाईफाई लगवाना है। उसके बाद थोड़ा सा नेट का कनेक्शन थोड़ा सा जाएगा। मैंने कल से वीडियो अपलोडिंग पर लगा रखी है, अभी तक मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है, तो पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो बात नहीं, अभी फ़िलहाल क्या करना है मुझे, फ़िलहाल बस यही है सारा काम। और अभी थोड़ी देर में खाना बनाऊँगी, सोची मैं थोड़ा सा अपने लिए कुछ खाने के लिए बना लूँ। सुबह की 5:30 बजे की उठी हूँ, तो मुझे भूख जल्दी लग रही है अब, वरना जनरली आकाश के लिए 6 बजे उठी थी, लेकिन बहुत टाइम से पीछे मैं उठी ही नहीं थी, तो मैं लगभग वही 9 बजे 10 बजे उठ रही थी, तो मुझे भूख भी आराम से 1 बजे लग रही थी, लेकिन मुझे आज थोड़ी सी हाँ लग रही है कि अब भूख सी लग रही है, कुछ खा लिया जाए, मतलब ऐसे हैवी नहीं, कुछ हल्का फुल्का कुछ खा लिया जाए, दूध वूध के साथ में कुछ ले लिया जाए। तो दूध भी आ चुका है फिलहाल, और कुछ बनाते हैं खाते हैं, और फिर देखते हैं एक साथ थोड़ी देर बैठेंगे, फिर मैं अपना वीडियो कभी देख रहा हूँ मुझे कैसे क्या करना है। और आज मैं कुछ सोच रही हूँ कुछ शूट किया जाए, अच्छा सा छाया भी आ जाएगी, तो हमने सोचा कि सिस्टर्स वाला कुछ वीडियो शूट करेंगे, सास बहू वाला शूट करेंगे, मैं और छाया दोनों मिलकर। तो बहुत सारे काम है अभी, वो करते हैं। चलो थोड़ी भयंकर वाली बारिश हो रही है, आराम से इंजॉय कर सकते हैं बारिश, बारिश में नहाना है तो नहा भी सकते हैं, कितना बढ़िया स्पेस एकदम। ये मैंने फिलहाल कपड़े धुले थे, और मैंने भी ऐसे अंदर टाल के सुखा दिए हैं, और यहाँ सिया नहा ली है, और मैं भी नहा ली हूँ, और जैसे नहा के बस निकले हैं और कपड़े सुखाया मैंने डाल दें, किसी देर में बारिश आ रही है, बहुत ही बेहतरीन बारिश हो रही है। थोड़े दिन तो मुझे लग रहा है कि ओलना पड़ रहा है, बहुत मजेदार हो रही है बारिश। ओ भाई यार क्या भयंकर बारिश हो रही है अभी, अब गिन्नी बैंकर वाली जो ये बेटू लड़की तो नहीं बैठे गए आराम से, बारिश देखने लग रहे हैं। थोड़ी देर से बस कपड़े पहनाऊंगी, बिना के आई है, थोड़ी सी देर में कपड़े पहनाऊंगी मेरे बेटू को मेरे चुन्नू मुन्नू को मेरे गोल्लू को। सिया यहाँ पर आराम से सो गई है, लगभग 2 बजने वाले हैं, और अभी तक कुछ खास काम हुआ नहीं, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब चीज़ें हो चुकी हैं, बस चावल हो रहे हैं। और आकाश भी मिल रहा कि वो 3-4 बजे तक रब्बा आएगा, आ पाएगा। तो अभी मौसम भी, बारिश भी बंद हो गई है, धूप अच्छी निकल गई है, मैं भी नहा वहा के वैसे तो फ्रेश हूँ, पर मैं सोचूँ थोड़ा सा ना बाल वाल ठीक कर ले जाएँ, कल के कॉम किए हुए हैं, पता नहीं इन कर्ली वालों का यही सिस्टम है, रोज़ रोज़ कॉम करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है, लगता है कि हर बार वो कॉम करोगे हर बार वो ऐसे ही उलझे उलझे से रहेंगे, तो यही चल रहता है। और आज का दिन बस हमारा थोड़ा सा ऐसे निकल गया, थोड़ा सा आज मैंने रेस्ट भी किया, क्योंकि बहुत दिनों से वही 3-4 दिनों से थोड़ा शिफ्टिंग में और वजन उठाना ये सब चीज़ें करना उन्हीं में लगी पड़ी थी। तब कल थोड़ा सा मैं योगा करना शुरू करूँगी, क्योंकि अब बॉडी की थोड़ी क्षमता भी बढ़ चुकी है, क्योंकि इतना सारा सामान उठाया धराया इधर उधर कराया, तो अब बॉडी का थोड़ा हो गया कि हाँ अब चीज़ें कर सकती है,
थोड़ा थोड़ा हम ऐसे कम से कम ऐसे 20-25 मिनट आधा घंटा का योगा करने का शुरू करेंगे कल से मॉर्निंग में। और उसके अलावा और क्या करना है, बस ये सब चीज़ें हैं। और मुझे लग रहा है बारिश फिर से आने वाली है, बूम फिर शुरू हो गई है। वाह क्या है, मौसम ही पूरा चेंज होता रह रहा है। थोड़ा सा आज मुझे काम भी करना है, सोचा वीडियो शूट करना है, और छाया भी लगभग 4 बजे तक आ जाएगी, तो फिर मैं और छाया दोनों भी थोड़ा सा वीडियो शूट करना शुरू करेंगे। फिलहाल चावल बना रही हूँ मैं, और सब कुछ हो चुका है, सिया भी सोई रही है आराम से। तो थोड़ा सा आकाश का वेट करते हैं, खाना खाते हैं, खाना नहीं खाया मैंने अभी तक, तो वही वाले हैं और खाना नहीं खाया है। आज ऐसी थोड़ी बॉडी जी ऐसी थकान थकान सी हो रही थी, कल से सोच रही हूँ ढंग से काम करना शुरू करूँगी वैसे। लेकिन छाया आ जाएगी, थोड़ा सा रहेगी, शुरुआत हो जाएगी काम करने की। थोड़ा सा आज वीडियो शूट करेंगे हम सिस्टर्स वाली टाइप की, तो वो आ जाएगी, तो उसके बाद हम शुरू करते हैं। मस्त बारिश हो रही है अभी, हम फिलहाल बालकनी में आ गए मैं और सिया दोनों, हम मस्त मस्त बैठ के देख रहे हैं। हवा चल रही खूब बेहतरीन वाली, बढ़िया हवा है ना, बेहतरीन हवा, बहुत बढ़िया वाली बेहतरीन हवा चल रही है भाई। अपने को देखो खुश होने लग रही है इसमें, अजीब अजीब से उड़ान लग रही है, कैसे देख रही ध्यान से। तो यहाँ पर आई हुई है छाया, सिया को हैंडल कर रही है जब तक मैं छाया के लिए और अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं यहाँ पर। और आकाश भी लगभग आने वाला है, तो उसके लिए चाय बना देंगे जब वो आएगा। फिलहाल हम कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं, उसके लिए मैं चाहिए मिक्सी जो कि मैं रखी है यहाँ। वही बात होती है ना बहुत तेज़। फिलहाल हमने लिया है सिया के लिए टीदर फर्स्ट ट्राई से, अंदर शूट करने बोल के उसको गोद में पकड़ रखा था मैंने। चलो अभी अंदर चलता है कार में, तो सब्जी लेनी है अभी। मेरे कप ले आए हैं ब्रांड से, छोटे से फर्स्ट क्राई से। हाँ दुपट्टा 1000 रुपए से उसका। हाँ दादी को दिखा रहे हो, दादी को। इतनी क्यूट लग रही है इसमें, इतनी क्यूट लग रही हो आप, इतनी क्यूट लग रही हो मेरे बेटू। ये इसका साइड में ये इसके हेयर बैंड आए हैं फर्स्ट क्राई से फ्री में। इसके कपड़े चुन्नी ये सब इसके दिवाली का आउटफिट है वैसे, तो दिवाली पे बनाएंगे अभी। उस टाइम पे मैं भेज मतलब फोटो खींच के ढंग से उनको भेजना है, तो इसका शूट करेंगे इसमें। बहुत लग गया मेरा बच्चा दिवाली पे। आप पता है 6 महीने की हो जाएगी दिवाली पे। ओ दिवाली पे 6 महीने का। Our hearts beat to the city streets, we began to feel the fire.